सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के कुछ ऑब्जेक्टिव के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर आया हूँ, जो कि जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो कल वाली वीडियो में बताया था वो भी इससे रिलेटेड थे, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताया था। तो गाइस, उसे भी आप देखना चाहें तो आप आई बटन में आपको लिंक मिल रहा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए आज मैं बताऊंगा कि जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस और आंसर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ध्यान से देख लेना है और इनको माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि ये हमें 100% आएंगे। ओके, सो गाइस, आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका ऑप्शंस है फर्स्ट प्रयागराज में, एंड ऑप्शन बी है पटना में, एंड ऑप्शन सी है लखनऊ में, और ऑप्शन सी है काशी में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा काशी में, ऑप्शन डी सही है। तो ओके, चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस परिवार में हुआ था, इनका परिवार कौन था। तो इनका फर्स्ट ऑप्शन है सुगनी परिवार साहू, एंड ऑप्शन बी है कृषक, एंड ऑप्शन सी है व्यापारी, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुगनी साहू। ओके, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद के पूर्वज मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो इनका फर्स्ट ऑप्शन है आजमगढ़, एंड ऑप्शन बी है जौनपुर, एंड ऑप्शन सी है इलाहाबाद, एंड ऑप्शन डी है काशी। ओके, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, जौनपुर, ये जौनपुर के निवासी थे। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था। तो ये मैं आपको मोस्ट टॉपिक बता रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आप अगर याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड आप इसका जीवन परिचय भी लिख सकते हैं बनाकर, अगर ये मेन याद रहेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिताजी कौन थे, और इनका निधन कब हुआ था, इनकी माता कौन थी, और इनका कॉलेज कौन था, और इसकी रचना क्या थी। ये जब आपको याद रहेंगे तो इससे रिलेटेड आप इनका जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीवन परिचय भी आपका एग्जाम में आता है। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद जयशंकर प्रसाद के पालन पोषण शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किसने की। ओके, तो इनका फर्स्ट ऑप्शन है शंभू रत्न जी, एंड ऑप्शन बी है शिव रत्न जी, एंड ऑप्शन सी है माता जी, एंड ऑप्शन डी है नाना जी। तो इनका ऑप्शन सही है फर्स्ट ए, ओके, शंभू रत्न जी। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी का अर्थ है, कामायनी का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है काम गोत्रजा, एंड ऑप्शन बी है कामकाजी, एंड ऑप्शन सी है कामदेव के समान सुंदर नेत्रों वाली, एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काम गोत्रजा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य का दर्शन है अथवा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी पूछ सकते हैं कामिनी महाकाव्य का दर्शन है, या पूछ सकते हैं कि कामायनी ने प्रसाद सॉरी कामायनी में प्रसाद ने किस दर्शन को अपनाया है। तो इसका ऑप्शन है सांख्य दर्शन, एंड ऑप्शन बी है शैव दर्शन, एंड ऑप्शन सी है चावार्क दर्शन, एंड ऑप्शन डी है अरविंद दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके, शैव दर्शन। तो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो कृति वगैरह जो इनकी रचनाएं हैं ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए इनका कृति बता देते हैं। तो ऑप्शन ए है नाटक, एंड ऑप्शन बी है उपन्यास, एंड ऑप्शन सी है महाकाव्य, एंड ऑप्शन डी है गीति काव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार हैं, कि कामायनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है निराला, एंड ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, एंड ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, एंड ऑप्शन डी है दिनकर सिंह दिनकर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जी। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद जी की ब्रजभाषा कविताओं का संकलन है। तो ऑप्शन ए है प्रेम पथिक, एंड ऑप्शन बी है चित्राधार, एंड ऑप्शन सी है उर्वशी, एंड ऑप्शन डी है वन मिलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्राधार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना है, कहीं पूछ लेता है जयशंकर प्रसाद जी की कृति नहीं है, एंड कहीं पूछ लेता है जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। ओके, तो इनमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। इसमें पूछ रखा है जयशंकर प्रसाद जी की कृति नहीं है, तो ऑप्शन है आंसू, एंड ऑप्शन बी है झरना, एंड ऑप्शन सी है लहर, एंड ऑप्शन डी है पल्लव। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, कि इनका
कृति नहीं है पल्लव। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य का रचना काल है, जिसमें पूछा है कि कामायनी का रचना काल है सन 1935 ईस्वी, या ऑप्शन सी बी ऑप्शन या ऑप्शन बी सन 1936 ईस्वी, या ऑप्शन सी सन 1987 ईस्वी, एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1935 ईस्वी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की है? तो मैंने बताया था ना कि कहीं पूछता है या कहीं पूछता है नहीं है, इसमें पूछ रखा है कि जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए है अपरा, एंड ऑप्शंस बी है पल्लव, एंड ऑप्शन सी है नीरजा, एंड ऑप्शंस डी है आंसू। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी की आंसू, कि जयशंकर प्रसाद जी की कृति आंसू है। ओके तो गाइस कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, क्योंकि मैं डेली BA सेकेंड ईयर या फाइनल के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स लाता रहूँगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।